हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। एंड ये है रक्षाबंधन यानी राखी का ब्लॉग, जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग था, मैं नहीं शेयर कर पा रही थी बिकॉज मेरे वीडियोस एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और मैं सच बताऊँ तो राखी के दिन मैंने कोई वीडियो मतलब ब्लॉग एज अ ब्लॉग नहीं शूट किया। ये तो जस्ट थोड़ा सा राखी बांधने की क्लिप मेरी कज़न सिस्टर ने शूट किया था, तो फिर ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मेरा भाई है, ये मुझसे छोटा है उम्र में, और रोहन नाम है उसका। तो सबसे पहले मैं इसको राखी बांध रही हूँ। एक्चुअली मेरे बड़े भाई भैया नहीं आए थे, भैया को किसी वजह से मतलब कहीं बाहर जाना पड़ा था, कुछ इमरजेंसी थी, तो इसी वजह से भैया नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर मैंने रोहन से राखी बांधना स्टार्ट किया। और आपको बता दूँ मेरे घर में ना बहुत मज़ा आता है राखी के दिन, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और राखी के दिन ही नहीं, यूजुअली हम लोग सब लोग जब मिलते हैं ना, मेरे सारे कज़न्स वगैरह, बुआ वगैरह, तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो आप लोग उसकी खुशी मेरे चेहरे पे देख ही रहे होंगे। और ये है मेरा टप्पुड़ा ये टप्पू है, मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरा सबसे छोटा कज़न, यानी यहाँ पे मैं उसको राखी बांध रही हूँ। तो ऐसे ये नहीं है कि हम लोग ऐसे सीरियल वाइज नहीं बांधते कि पहले बड़े भाई को पहले छोटे भाई को, मतलब जो ऐसे लाइन में मतलब जो आ जाता है उसको बांधते चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो बोला था मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो मैं उसको बोली नहीं तो पूरा मिठाई खा ले तो उसको वही मैं खिला रही थी। और राघव यहाँ पे देख के ना ये सब बहुत एक्साइटेड हो रहा था, इसको अब जाकर पता चला दिस ईयर कि ये राखी मतलब होता क्या है। एंड ही वॉज सो एक्साइटेड, पहले तो नहीं था, पहले तो उसको कुछ पता नहीं था। जब उसने मुझे देखा, मेरी बुआ को देखा, मुझे देखा, सबको देखा कि सब लोग कैसे राखी बांध रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब जाके उसके अंदर जो एक्साइटमेंट पैदा हुई ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ही गॉट वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज लाइक कि मम्मा मेरी सिस्टर को बोल लो राखी बांधने के लिए, मेरी सिस्टर को बोलो राखी बांधने के लिए। एंड ही वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग, ऐसा हो रहा था। एंड मैं उसको बोल रही थी कि बेटा रुको रुको सबका हो जाने दो, जैसे मतलब बुआ का मीरा का, मैंने सोचा सब लोग राखी बांध ले तो मैं लास्ट में इन दोनों का आराम से राखी मतलब करवा दूँगी, और यही मेरा प्लान था और ऐसा ही मैंने किया। तो यहाँ पे देखिए मैं लाडो के हाथ से सब करवा रही हूँ, बिकॉज लाडो तो आप लोगों को बता भी शी इज़ जस्ट 7 मंथ ओल्ड, तो वो अभी तो इसको कुछ कर नहीं पाएगी, बट नेक्स्ट ईयर आई होप कि वो अपने भाई के हाथों पर खुद से ही मतलब अपने भैया की कलाई पर राखी बांधेंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई होप ऐसा ही हो। और देखिए ना, हम लोग तीनों ने एक्चुअली येलो ही पहना था, राघव ने येलो टी शर्ट पहना था, लाडो ने भी येलो ड्रेस मतलब येलो फ्रॉक पहनी थी, और मैंने भी येलो आउटफिट पहना था, तो हम तीनों येलो में हो गए थे। एंड थर्सडे भी था, आप लोगों को तो पता ही है थर्सडे यानी गुरुवार बृहस्पतिवार को येलो कपड़े पहने जाते हैं, तो और लकीली उस दिन हम सब लोगों ने येलो पहन लिया था। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े क्यों लिए, ये पहली राखी थी लाडो की, तो मैंने इसलिए नहीं ली बिकॉज ना उसको ऐसे चुभने वाले कपड़े, ऐसे फ्रॉक मतलब ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है, मैंने उसको देखा है वो बहुत इरिटेट होती है, और उसको ना ऐसे सॉफ्ट कपड़े पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इस साल तो वैसे भी उसको इतना कुछ पता नहीं है, नेक्स्ट ईयर उसको थोड़ा पता होगा, वो वॉक करती होगी थोड़ी मतलब यू नो उसकी हरकतें ज़्यादा बदमाशियाँ होंगी, तो तब तक वो यू नो ऐसे कपड़े पहनने में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी वो बहुत छोटी है तो उसको ना ऐसे कपड़े इसलिए अवॉइड किया। और राघव के पास कुर्ता पजामा था, बट मैंने सोचा कि जाने दो जब ये लाडो भी नहीं पहन रही है, तो फिर मैंने उसको भी सिंपल ही रखा। और इस बार एक्चुअली सही बताऊँ तो मैंने भी बहुत सिंपल मतलब यू नो कुर्ता और प्लाजो पहना था, पता नहीं हम तीनों एकदम सिंपल में हो गए, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन सिंपल पहनने का मन किया और हम तीनों ने सिंपल पहन लिया। वो कहते हैं ना जब आप मायके आते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन सब यही करते हैं कि कब जा रही हो कब जा रही हो, एंड दैट्स ट्रू एंड दैट्स सो वियर्ड ऑल्सो, एंड आई जस्ट हेट दिस कि मतलब यार पहुँचे नहीं कि सब जाने का पूछने लगते हैं, और सच में जाना तो होता ही है, और मुझे ये जाने वाला दिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मतलब मुझे क्या मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता। राघव का तो लिटरली वीडियो है एक कि जिसमें वो रो रहा है, लेकिन मैं लास्ट में वो वीडियो ऐड करूँगी कि मुझे अक्कू के घर नहीं जाना, मुझे नानी के पास रहना है, नानी के घर जाना है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी को मतलब मम्मी डैडी को छोड़ कर आना, उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बट बोलते ना ज़िंदगी का और ज़माने का और समाज का सबका यही दस्तूर है कि बेटियाँ पराया धन होती हैं, यार ये अपना घर अपना नहीं होता और दूसरे का घर अपना हो जाता है, मतलब ये जो फिलॉसफी है मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आई कि मतलब छोड़ो इस पर, ये तो बहुत लंबी बहस का मुद्दा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ ले जाने के लिए, मतलब राघव तो सोया था, लाडो उड़ गई थी, लेकिन तो फिर मैंने लाडो को पहले सबसे पहले रेडी कर दिया और उसको थोड़ा सा फीड करा दिया, बिकॉज उसको भूख भी लगी थी, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब ये हुआ ना खटपट वगैरह चालू हुआ तो वो उड़ गई, और वैसे भी वो फीड के लिए उठी ही थी, तो उसने जब लाइट ऑन देखा तो एकदम मस्त में उड़ गई। फिर यहाँ पे मैं राघव को भी उठा के उसके पैंट वगैरह चेंज करी, और मैं टी शर्ट पे उसको ऊपर से टी शर्ट पहना देती हूँ,
और फिर यहाँ पे बैग वगैरह अपना मतलब यू नो सब फाइनल पैकिंग कर रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए यार, मतलब सामान छूट के क्या मतलब, जो फीलिंग्स छोड़ के इंसान जाता है, जो अपने दोस्तों को अपने परिवार को पीछे छोड़ के जाता है, उसका क्या मतलब क्या ही बोलूँ अब। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इस बार, पता नहीं क्यों, मतलब हम वैसे तो मैं हमेशा ही जाती आती हूँ, बट इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा, आने का मन नहीं कर रहा था। और ये एक हफ्ते के लिए जाना आना सच में। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे मुंबई लोकल में हैं इस वक्त, और मुंबई लोकल को ऐसे ही मुंबई की जान नहीं कहा जाता, 5:15 की लोकल में आप देख लीजिए कितनी रश है, तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं ना मुंबई की जान, लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गिलाड़ी उठ गई है, 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे, हम लोग डोंबिवली स्टेशन पे हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, है ना लाडू, है ना मम्मा एंड बेटी येलो ट्विनिंग, माई बिटिया ट्विनिंग। और राघव वहाँ पे क्या है उसको वॉशरूम लगी थी, तो ये देखिए फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, और ट्रेन बहुत खाली थी, बहुत अच्छा लगा, हम लोग आराम से विंडो सीट पकड़ के बैठ गए और अपनी विंडो सीट ले ली हमने, जम गए अपनी सीट पे, लाडू आराम से सोई थी एक सीट पे, और उसको तो विंडो से बाहर ही देखना होता है यार, ये हर बच्चों की मतलब बोलते ना एक ख्वाहिश होती है, बिकॉज जब मैं राघव को ऐसे देखती हूँ ना विंडो से बाहर देखती हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, मैं अपना बचपन देखती हूँ उसमें, जब मैं भी छोटी थी ना, तो जब हम लोग ट्रेन में जाया करते थे, चाहे वो लोकल ट्रेन था या चाहे एक्सप्रेस होती थी गाँव जाने के टाइम, हम लोग मतलब मुझे भी बहुत शौक होता था कि मैं मुझे विंडो ही मिले। और अब राघव को देखती हूँ तो मुझे सच में अपना बचपन याद आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे लाडो भी सोकर अच्छी खासी मतलब 1 घंटे की उसने अच्छी नींद ली, और उसके बाद सोकर उठी है, जैसे ही हम लोगों का उतरने का टाइम आ गया वैसे राइट टाइम पर उड़ गई बंदी और दोनों भाई बहन अपना मस्त आराम से यहाँ पे खेल रहे हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, ये हम लोगों का 2nd लास्ट स्टॉप है, मतलब जिस स्टॉप पर उतरेंगे उसके पहले वाला स्टॉप है, और लोकल ट्रेन जा रही है। आ लाडो नाना, हम लोग कहाँ पहुँचे थे ना, हम आपको इधर ही आ रहे हैं, खुद आ इधर आ रहे हैं, हम लोग पहुँचे कहाँ पर, where did we reach? ये की तरफ पहुँचे हम लोग, कहाँ इधर की तरफ, इधर की तरफ वसई वसई की तरफ पहुँचे ना, वो देखो ना सब स्कूल जा रहे हैं ना, हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं, लाडो की देखिए मालिश भी हो गई है, मालिश के काफ़ी काम मैंने घर के फिनिश कर लिया, लंच प्रिपेयर कर लिया है, लाडो को ब्रेकफास्ट करा दिया, लाडो की मालिश कर दी मैंने, कपड़े धो लिए, और कपड़े धोने के बाद मतलब नहा लिया, भगवान की पूजा कर ली, ऐसे काफ़ी काम मैंने फिनिश किए, किचन क्लीन किया, क्या हुआ लाडो किसे आवाज़ दे रही हो, तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाय गाइस, बाय करो लाडो, बाय लाडो, बाय लाडो, बाय लाडो, बाय 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 लाडो, हाँ करो करो, बाय बाय लाडो, बाय लाडो।